सुप्रभात बच्चों, हमने जो कविता पढ़ी है बूंदे, तो इस कविता के आधार पर आज हम प्रश्न उत्तर देखने वाले बूंदे इस कविता के आधार पर। तो देखो, प्रश्न एवं उत्तर है कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। जो कविता की पंक्तियां हमें क्या करनी है, पूर्ण करनी है। तो यहाँ पे देखिए, रिमझिम रिमझिम रिक्त स्थान आती बूंदे, तो यहाँ पे पूरा करना है कविता। यहाँ पे जो लाइन है उनकी, रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। अब है दूसरी, धरती रिक्त स्थान जाती बूंदे। अब यहाँ पे पूर्ण कविता की जो पंक्तियां पूर्ण करनी है, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। अब ये मेंढक रिक्त स्थान हर्षाती बूंदे, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। ये रिक्त स्थान में आपको ऐसे पंक्तियां पूर्ण करनी है, ठीक है। जो आगे का प्रश्न है देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बरसात की बूंदे कैसे गाती है? अब देखो, बरसात की बूंदे कैसे गाती है? बरसात की बूंदे रिमझिम रिमझिम करते हुए गाती है। बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? अब इसका उत्तर है, बूंदे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। तीसरा, अंत में बूंदे किसमें मिल जाती है? इसका उत्तर क्या है? अंत में बूंदे सागर में मिल जाती है। इसका ऐसे उत्तर लिखना है। आगे का प्रश्न देखो, बूंदे किन्हें शीतलता पहुंचाती है? इसका उत्तर है, बूंदे गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को शीतलता पहुंचाती है। पांचवा, पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन ईट लाती है? इसका उत्तर लिखना है, बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर ईट लाती है। आगे का प्रश्न है, बूंदे क्या क्या करती है? इसका उत्तर हमें लिखना है, बूंदे रिमझिम रिमझिम करते हुए गाती है, वे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है, और जो गर्मी से जो परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती है, वे पुरवाई के रथ पर चढ़कर ईट लाती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर भी बूंदे क्या करती है? ईट लाती है। आगे का प्रश्न है, कविता में आए हुए गाती शब्द के समान लय वाले शब्द लिखो। जैसे गाती जो कविता में शब्द आए, वैसे ही शब्द समान लय वाले शब्द आपको लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है इसका उत्तर, आती फैलाती मिल जाती पहुंचाती हर्षाती इटलाती और मुस्काती। तो ऐसे हमें लय वाले शब्द लिखेंगे, इसे शब्द युग्म भी कहते हैं, यानी लय वाले शब्द है। तो देखो, अभी आज हमने इस प्रश्न उत्तर देखे हैं, इसको आपको लिखकर इन प्रश्न उत्तरों को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है? ओके, ठीक है।